अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया खान है और मैं amane.com से हूँ. आज मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँगी उसका नाम है ग्रैंड मिलेनियम. और ग्रैंड मिलेनियम के इंट्रोडक्शन में जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें. अब बात करते हैं ग्रैंड मिलेनियम के बारे में. तो बेसिकली ग्रैंड मिलेनियम दो टावर्स के ऊपर बेस्ड एक बिल्डिंग है और उसमें से एक जो है वो होटल फर्निश स्वीट्स के लिए रिजर्वड है और जो टावर नंबर बी है वो लग्जरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए रिजर्वड है. और बेसिकली ग्रैंड मिलेनियम का जो एम है, ये लोग एक लग्जूरियस और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट अपने रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि कम्प्लीटली फैमिली ओरिएंटेड हो और वहाँ पे आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो. उसके अलावा जो उसकी लोकेशन है वो बहुत ही खूबसूरत है. उसके पास नदी है और उसकी हिली व्यू है और एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर ये वाक़ है. और अब बात करते हैं ग्रैंड मिलेनियम के फ्लोर प्लान के बारे में. बेसिकली ग्रैंड मिलेनियम ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर्स पे बेस्ड है और इसके जो दो फर्स्ट फ्लोर्स हैं वो कम्प्लीटली, जो इसके बेसमेंट फ्लोर्स हैं वो कम्प्लीटली पार्किंग के लिए रिजर्व हैं. और उसके अलावा जो टावर नंबर ए और टावर नंबर बी की फर्दर डिटेल्स हैं वो मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करूँगी. लेकिन जो टावर नंबर ए है, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो होटल फर्निश स्वीट्स के लिए रिजर्व है और टावर नंबर बी जो है वो लग्जरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए रिजर्व है. अब बात करते हैं ग्रैंड मिलेनियम की लोकेशन के बारे में. ग्रैंड मिलेनियम बेसिकली फेज़ 8 में लोकेटेड है और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पर है. इसके सराउंडिंग में इसके 1 किलोमीटर के फासले पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी आता है और इसके अलावा जितनी भी ज़रूरतें ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जैसे कि स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं, वो सब इसके आसपास में लोकेटेड हैं. और ये बेसिकली बहरिया टाउन का एक हब है और इसके सराउंडिंग में हर तरह की फैसिलिटीज़ जो कि ज़रूरत होती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं. अब बात करते हैं ग्रैंड मिलेनियम जो कि फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स को और अपने रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करेगा. तो इनका अपना डे केयर सेंटर है, इनके स्पा है, जकूजी है, इनके अपने सलॉन्स हैं, मिनी मार्ट है, कॉफ़ी शॉप है और इसके अलावा जितनी भी ज़रूरतें ज़िंदगी की चीज़ें हैं, सहूलियात हैं, वो सब इसके आसपास इसके सराउंडिंग में मौजूद हैं. तो ये उन लोगों के लिए जो कि एक फैमिली ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं जहाँ पर कोई भी बाहर की इंटरफेरेंस ज़्यादा ना हो और फैमिली सब अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकें, वो एक पुरसकून माहौल में रहना चाहते हैं, उनके लिए ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है. और अब बात करते हैं डेवलपर्स के बारे में जो कि ग्रैंड मिलेनियम के डेवलपर्स हैं. तो बेसिकली ग्रैंड मिलेनियम के जो डेवलपर्स हैं वो एडस्टोन के नाम से हैं और एडस्टोन जो है एक बहुत ही क्रेडिबल मार्केट स्टैंडिंग रखता है. इनका ऑलरेडी गुलबर्ग ग्रीन्स में एक प्रोजेक्ट है ओपल स्केयर के नाम से और इनका जो एम है, ये अपने यूज़र्स को, अपने कस्टमर्स को लग्जरियस और कम्फर्टेबल किस्म के इन्वायरमेंट और कम्फर्टेबल किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके लिए बनाना चाहते हैं. तो ये एक बेसिकली ट्रस्टवर्दी नाम है. अब बात करते हैं ग्रैंड मिलेनियम के NOC के बारे में. और ग्रैंड मिलेनियम का जो NOC है वो ऑलरेडी बहरिया की तरफ से जो है उनका वो लीगल है और इनको NOC मिला हुआ है, तो ये कम्प्लीटली लीगल प्रोजेक्ट है. बुकिंग प्लान के बारे में बात करें तो इनकी बुकिंग स्टार्ट होती है 20% से और इनकी एक प्रमोशनल ऑफ़र है कि इसमें अगर आप अपनी जो भी आपकी बुकिंग अमाउंट है जो कि आप पे कर रहे हैं, आप उसको भी इंस्टॉलमेंट्स में करके पे कर सकते हैं और ये एक लिमिटेड टाइम ऑफ़र है. और इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमसे amane.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं ग्रैंड मिलेनियम के पेमेंट प्लान के बारे में. जैसे कि मैंने पहले बताया कि ग्रैंड मिलेनियम के दो टावर्स हैं और टावर ए और टावर बी की कम्प्लीटली डिफरेंट प्राइसेस हैं. टावर ए होटल फर्निश्ड अपार्टमेंट्स पे बेस्ड है और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं. तो मैं सबसे पहले जो है इनकी जो 1 बेड फर्निश्ड होटल अपार्टमेंट है उसकी प्राइसेस से स्टार्ट करूँगी. इसकी एक ही कैटेगरी है, लेक फेसिंग, और उसकी जो टोटल प्राइस है वो है 99 लाख रुपीज़. और उसके बाद जो उसकी 2 बेड फर्निश्ड होटल अपार्टमेंट्स हैं उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं. सबसे पहले जनरल कैटेगरी जिसकी टोटल पेमेंट है 1 करोड़ 56 लाख. उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है लेक फेसिंग जिसकी टोटल प्राइस है 1 करोड़ 71 लाख एंड 60,000. और उसके बाद जो उसकी तीसरी कैटेगरी है वो है लेक फेसिंग प्लस कॉर्नर और उसकी जो टोटल प्राइस है वो है 1 करोड़ 79 लाख 40,000 रुपीज़ ओनली. अब लास्ट कैटेगरी की तरफ आते हुए जो कि 3 बेड फर्निश्ड होटल अपार्टमेंट्स हैं, इसकी एक ही इसमें भी एक ही कैटेगरी है जो कि कॉर्नर है और उसकी जो टोटल प्राइस है 2 करोड़ एंड 46 लाख रुपीज़ ओनली. और इन सब में जो उनकी बुकिंग है वो 20% से स्टार्ट हो जाती है और सब सब के सब अपार्टमेंट्स की जो डाउन पेमेंट है वो भी उनके रेट्स के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट है.
अब टावर बी की तरफ आते हुए, जो कि लग्जरी अपार्टमेंट्स पे बेस्ड है, इनके अपार्टमेंट्स की तीन कैटेगरीज हैं, वन बेड अपार्टमेंट्स, टू बेड एंड थ्री बेड लग्जरी अपार्टमेंट्स। और इसमें इसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और मैं सबसे पहले वन बेड लग्जरी अपार्टमेंट से स्टार्ट करूँगी। इसकी दो कैटेगरीज हैं, जनरल और कॉर्नर। और जनरल की जो टोटल प्राइस है वो है 65,92,000, और जो कॉर्नर का अपार्टमेंट है उसकी प्राइस है 72,51,200 रुपीज़ ओनली। और अब टू बेड लग्जरी अपार्टमेंट्स की तरफ आते हुए, उसमें भी तीन कैटेगरीज हैं, जनरल, फेसिंग हिल और फेसिंग हिल प्लस कॉर्नर। और जनरल की जो टोटल प्राइस है वो है 94,40,000। जो हिल फेसिंग अपार्टमेंट है उसकी डिफरेंट प्राइस है वो है 1,38,04,000। और उसके बाद जो इनकी थर्ड कैटेगरी है, फेसिंग हिल प्लस कॉर्नर, उसकी टोटल प्राइस है 1,85,06,000 रुपीज़। अब इसकी लास्ट कैटेगरी जो कि थ्री बेड लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं उसकी तरफ आते हुए, इसके अंदर विदिन दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कॉर्नर अपार्टमेंट्स और फेसिंग हिल प्लस कॉर्नर अपार्टमेंट्स। तो जो कॉर्नर अपार्टमेंट की टोटल प्राइस है वो है 1,29,36,000 रुपीज़। और जो इसकी हिल फेसिंग प्लस कॉर्नर का अपार्टमेंट है उसकी प्राइस है 1,35,24,000 रुपीज़ ओनली। अब ग्रैंड मिलेनियम के डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में बात करते हैं। तो इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, इनकी डिगिंग ग्रैंड मिलेनियम की अभी स्टार्ट हो चुकी है, और बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2023 ये अपने इस प्रोजेक्ट के डिलीवर कर देंगे। अब बुकिंग प्रोसीजर की तरफ आते हुए, इनका बुकिंग प्रोसीजर इंतहाई सिंपल है। बुकिंग प्रोसीजर के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसमें है दो शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ जो कि मेन एप्लीकेंट है उसकी, और दो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स उनकी, और उसके अलावा दो शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ जो कि नॉमिनी है उसकी, और दो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी नॉमिनी। अब वीडियो को एंड करते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप लेना चाह रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कोई और भी फ़ायदा उठा सकता है तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें। और अगर मज़ीद आपकी कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप कमेंट करके भी हमसे वो पूछ सकते हैं, और हमारा .com पर कॉन्टैक्ट करके हर किस्म की क्यूरीज आपकी सॉल्व हो सकती हैं। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफिज़। amanat.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।